Identify which one is incorrect statement out of given four options. Option A, option B, option C, option D. इस केस में इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स प्रोवाइड किए हैं. चेक करें कौन सा केस इनकरेक्ट है इस केस में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. फर्स्ट वन, इफ के केसेस मैंने एक्सप्लेन किया था. इफ के केसेस में नेस्टेड इफ राइट करना पॉसिबल. नेस्टेड इफ का मीनिंग क्या था, जस्ट मीन्स इफ के बॉडी पार्ट में एनदर इफ स्टेटमेंट प्रोवाइड करना अलाउ था. दिस इज वैलिड वन. बट इस केस में प्रोवाइड क्या किया, इस केस में इफ बॉडी पार्ट में प्रोवाइड किया है, हेडर पार्ट में मीन्स इफ ऑलरेडी अवेलेबल किस केस पर है, एज अ हेडर टू द दैट इफ. इसलिए केस कैसा लॉजिकली और सिंटेक्टिकली इनकरेक्ट. मीन्स इस टाइप का कोई भी पॉसिबल सिंटेक्स नहीं. दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन. मीन्स लेकिन अगर करेंटली इस केस में रेज कर रहा कंपाइल टाइम मेरा, लेकिन आइडेंटिफाई क्या करना था, इनकरेक्ट. देयर फोर इट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर रिगार्डिंग गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट ऑप्शन के केसेस में चेक करते हैं. ऑप्शन बी, बी के रिस्पेक्ट में इफ के कंडीशनल पार्ट में कॉल किया सम फंक्शंस. फंक्शंस के रिस्पेक्ट में मीन्स अगर बात करें तो इफ के अंदर है या इफ हेडर पार्ट में फंक्शंस भी कॉल करना पॉसिबल है, कंडीशंस भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है, जीरो और नॉन जीरो वैल्यूज या वेरिएबल्स भी प्रोवाइड करना पॉसिबल है. मीन्स कोई फंक्शन राइट किया है, इससे इसका जनरल मीनिंग क्या है, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो अलाउड इन साइड हेडर ऑफ इफ, देयर फोर इट इज वैलिड ऑप्शन. नेक्स्ट वन हेयर ए, ए इज समथिंग सम वेरिएबल नेम्स. मीन्स इफ के हेडर पार्ट में कंडीशंस के प्लेसेस पर वेरिएबल नेम्स भी राइट करना पॉसिबल है, ऑल्सो वैलिड. नेक्स्ट वन अगेन वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल टाइप कास्ट किस में हो रहा है, कैरेक्टर. किसी भी वेरिएबल्स को टाइप कास्ट करना है पॉसिबल. मीन्स रिमेनिंग सारे ऑप्शन वैलिड हैं एक्सेप्टिंग फर्स्ट वन. लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन